पंजाब हरियाणा यूपी बिहार राजस्थान बंगाल केरला सारे भारत संयुक्त भारत के किसान सारियां नूं धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी की बख्शी फतेह साझी करो जी। आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मैं सिर्फ आप संगतां दे क्योंकि तुसीं संगती रूप सारे इकट्ठे हो इत्थे कोई यह नहीं कह सकता कि कोई एक किसम का मोर्चा है या कोई एक आगू है। इत्थे सारे किसान ने और सारी भावें वह हरियाणा के ने भावें इत्थे पंजाब के ने क्योंकि डा सिंह बॉर्डर की लगातार सेवा कर रहे और उत्थे ये बोलण की भी सेवा निभा रहा है उत्थे भी बहुत सारे पहुंचे हुए हैं। पर गुरु के प्यारे हो तुसीं एक गल याद रखियो तुसीं भावें बठिंडे तो इस पासों आए हो तो भावें उस बॉर्डर पर अमृतसर तो 550 किलोमीटर तो धन गुरु गोबिंद सिंह साहब का जतारा ही तुहानूं इत्थे लैके आया। ये जतारा याद रखियो आओ जी तुहानूं दर्शन कराने आ किसान संयुक्त मोर्चे दे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इत्थे किसान मोर्चे ते असीं हैगे आ सिंघू बॉर्डर ते दिल्ली दे और तकरीबन शुरुआत सिंघू बॉर्डर तो लैके पिछे 10 किलोमीटर तक वहीर कत कत के लगे ने ट्राले जिदा कोई अंत ही नहीं। तुसीं देख रहे हो सारे पास ट्राली ट्राले ने। आओ तुहानूं हुण अगे लैके चलदे आ वो साढ़े हरियाणे वाली भाई भी बैठी है साढ़े हरियाणे तो भी बिहार तो भी यूपी तो भी सारे आए हैं। इतने गुरु की कृपा वरतदी है इस जकारे के विच यह ऐसा जकारा है। देखो भावें चमकौर की गढ़ी का हुण क्योंकि दिन उही ने धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज उन्होंने सिंह उन्होंने साहबजादे भावें वह अपने महल में छोड़ के बाहर से अज भी उही महीने उही दिन आने वाले ने असी भी बाहर हाँ। पर एक गल याद रखियो ये मोर्चा चमकौर की गड़ी की तरह फतेह नहीं होएगा। ये मोर्चा जो फतेह होना है तो चाबियां के मोर्चे की तरह होना है। ये मोर्चा जैतो के मोर्चे की तरह फतेह होना है। ये लाठियां बनाएंगे तो असी छाती अगे करके लाठियां खाने को तैयार हाँ पर असी सबर में कुछ भी नहीं कहेंगे। इतने पता लगेगा कि किसानों की ताकत की होती है। इतने पता लगेगा कि जब सारी उम्र देखने को नहीं मिलना कि खास करके मैं दिल्ली के शहरियों को कह रहा हूं कि तुम दिल्ली हो एक बार आके जरूर सजदा करके जाओ इन किसान भावों इन्हे नतमस्तक होके जाओ जेडे अपने हकों को लैन वास्ते पहुंचे। भावें यूपी है भावें बिहार है भावें राजस्थान है भावें हरियाणा भावें केरल भावें इस भारत के जिथे जिथे भी किसान बैठे ने सारे की नज़र अच्छे उत्ते है। याद रखियो भावें मैं शहरी हाँ भावें मैं दिल्ली तो हाँ तुम पंजाब तो आए हो असं थोड़े चरणों से नतमस्तक होते हैं। दास ने बंगला साहब तो भी यही बेनती की तुम एक 31 दिसंबर को मैं यही बेनती करता कि तुम गुरु के प्यार सबर में बैठो बाणी पढ़ो सबर के अगे इस जुल्म का नाच ही होएगा। तुम याद रखियो सबर बहुत बड़ी चीज़ है। तो किसान दुनिया के लोगों याद रखियो तुम घर बैठे हो अज तुम किसानी मोर्चियां नूं मारा कह रहे हो धरती बीज शब्दों कर सच की आव निकते है पानी वो एक किसान जमाइला पिस्त दोजक पूरे हर जानी इतें ही पिस्त है इतें ही दोजक है इतें ही स्वर्ग है तो इतें ही नर्क है। अज सरकार नूं लगता कि असी नर्क आके देख जेड़ा आनंद इतने है जेड़ा सुख इतने है जेड़े गुरु के सिखा ने पंजाबियों ने इतने लहर बहर लाइया ने अज सरकार नूं डर पै गया है। नर्क उत्थे है दोजक इत्थे उत्थे है ते इत्थे सच्चे मुच्चे इत्थे ही स्वर्ग बनाया है। ते दूसरी गल ये शहरी अज नहीं आ रहे कि हर एक मनुख इंसान किसान ही है भावें वह बाहरी तौर पर किसानी करता है क्योंकि तुसी गुरु नानक साहब के वारिस हो। गुरु नानक साहब महाराज ने 17 साल खेती की है करतारपुर की धरती से जेडे कहें साडा किता खेती नहीं है। याद रखियो अध्यात्मकता रूप दे विच तुसी भी किसान हो मनहारी किसानी करनी शर्म पानी तन खेत नाम बीज संतोख सुहागा रख दिंदी देश भाव करम कर जमसी भाव का मतलब प्रेम प्रेम विच बैठे हो प्रेम विच एक इकट्ठे रहो किसी नाल वैर विरोध नहीं है साडा सारियां नूं जीओ आया नूं है सारियां नूं गलवकड़ी ला रहे हैं सारियां नूं प्यार दे रहे हैं।
पर स्थिति की गल मैं एक करांगा कि अज लोग कहते हैं कि इतने बोले सोने हाथ से जकारे नहीं लगन गए। ये जकारे ही है जेड़े पंजाब तो दिल्ली तक आए हैं कि दिल्ली भी फतेह जी हुई है वो बोले सोने हाथ से जकारे तो हुई है। मैं ये नाल ही फतेह के जाके कहूँगा फतेह गज के जकारा एक और सांसा करो जी बोले सोने बोले सोनेहा बोले सोनेहा बोले सोनेहा जो गज के बुलावे सोनेहाल हो जावे गुरु गोबिंद सिंह जी दे मन नू भावे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज आज सच वालों कंबल सेवा की जा रही है जी असी महाराज की कृपा नाल आप संतान के सहयोग नाल अज किसान मोर्चे ते कंबल बन रहे हैं। आप सारे ही सहयोग कर रहे हो आप सारे का बहुत बहुत धन्यवाद है। सारी आज सच की टीम इतने तत्पर है जी असी सारी अज सिंधु बॉर्डर पर आए हैं। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।